हाय गाइस, वेलकम टू प्रो ट्रेडर्स। दिस इज हर्षवर्धन। आज कुछ स्टॉक्स दिया तो मैंने, उसके बारे में एनालिसिस करेंगे, उसके साथ साथ कल का स्टॉक्स भी देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। और ट्रेडिंग करने का तरीका ऐसा होता है कि देखो, फॉर एग्जांपल 100 रुपीज पे यहाँ पे क्लोज दिया था कल। सो आज क्या करना है, कल मैं टेलीग्राम चैनल में जो भी लेवल देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने दिया था 101, ठीक है, 101। तो ये हमारा ट्रेडिंग लेवल है, ठीक है। कल मैं बाई के लिए देता हूँ, राइट। तो मैं टारगेट कुछ देता हूँ 105 मान लो, ठीक है, 105। सो 101 पे मैं बाई दिया, उसके बाद स्टॉप लॉस कहीं पे यहाँ पे 98 पे होगा फॉर एग्जाम्पल। तो हमेशा हमारा मार्केट कैसे ओपन करना है, ये जो ट्रेडिंग लेवल मैंने दिया था टेलीग्राम चैनल में, उससे नीचे खुलना चाहिए। नीचे कहीं पे भी 99 पे हो सकता है, 100 पे भी हो सकता है, कहीं से भी वो नीचे होके इसको ब्रेक करके फिर वापस जाके हमारा टारगेट को देना है। यही है सेटअप। ऐसा सेटअप हुआ तो तभी हमको करना पड़ेगा ट्रेड। अगर नहीं, फॉर एग्जांपल मैंने ट्रेड 101 पे दिया, लेकिन हमारा प्लान क्या था, 101 से नीचे ओपन होके ऊपर जाएगा, राइट। लेकिन क्या हुआ, मार्केट ओपन होते ही 103 पे ओपन हुआ। तो ये ट्रेड सेटअप नहीं है, आपको ट्रेड नहीं करना है। क्यों? हमारा प्लान है वो नीचे खुलेगा, उसके बाद हमारा ट्रेड लेवल को हिट करके ऊपर ऊपर जाके 105 हो, 104 हो, वो टारगेट दे देगा, ठीक है, ये टारगेट दे देगा, तभी हमको ट्रेड करना है, नहीं तो नहीं करना है, वो सेटअप है ही नहीं, ठीक है। ऑन द कॉन्ट्ररी सेम वे आपको मिरर इमेज में क्या है, फॉर एग्जाम्पल आपको 95 पे आपने क्लोज दिया, फॉर एग्जाम्पल 95 पे क्लोज दिया कल, मार्केट दिया था कल सुबह। मैं टेलीग्राम चैनल में देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 94 पे हमारा ट्रेडिंग लेवल है, यहाँ पे सेल करना है हमको, ठीक है, कहाँ पे, 94 पे फॉर एग्जाम्पल। तो हमारा प्लान क्या है, 94 से ऊपर कहीं पे भी यहाँ पे ओपन होके वो 94 हो सकता है, 96 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसके ऊपर ओपन होना है। उसके बाद क्या होता है, इसको ब्रेक करके फिर वापस आके हमारा 90 कोई भी हो टारगेट हमको दे देगा। तो ऐसा सेटअप होना चाहिए, ठीक है। हमको क्या करना पड़ेगा, जो भी मैं लेवल देता हूँ उससे ऊपर ओपन होना है, जब भी सेल करने के टाइम पे ऊपर होके फिर उसको ब्रेक करके फिर हमारा टारगेट दे देगा। अगर नहीं, हमारा 93 पे गैप डाउन खुल गया, कौन सा लेवल पे, हमारा ट्रेडिंग लेवल, जो भी मैं सेल को देता हूं उससे हमारा, हमने डिसाइड किया सेल यहाँ पे करना है 94, लेकिन वो 93 या 92 पे खुल गया गैप डाउन, तब क्या करना है, इसको ट्रेड नहीं करना है, ये ट्रेडिंग का सेटअप है ही नहीं, जैसे कि यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या है, जो भी ट्रेड लेवल होता है हम डिसाइड किया 101 पे बाई करना है, फॉर एग्जाम्पल वो नीचे खुलना चाहिए, उसको ब्रेक करके ऊपर जाना चाहिए और टारगेट देना चाहिए। यहाँ पे भी सेल साइड के लिए उससे ऊपर खुलना चाहिए, उसके बाद उसको हमारा जो भी लेवल है ट्रेडिंग लेवल सेल ऑर्डर का, उसको ब्रेक करके हमारा टारगेट यहाँ पे दे देना है, तभी हमको ट्रेड करना है, ठीक है, नहीं तो नहीं करना है, वही सेटअप है। अगर नीचे हमारा ट्रेडिंग लेवल पे नीचे गैप डाउन खुल गया तो ट्रेड नहीं है, हमारा ट्रेडिंग लेवल पे गैप अप खुल गया तो वो ट्रेड नहीं है बाई साइड पे, ठीक है। सेल साइड पे हमारा ट्रेडिंग लेवल से नीचे नहीं खुलना चाहिए, ऊपर ही खुलना चाहिए, बाई से हमारा ट्रेडिंग लेवल से नीचे खुलना चाहिए, तभी हमारा बाय ऑर्डर को हिट करके ऊपर जाना है, ठीक है, यही सेटअप है। और एक बात है, जो भी मैं ऑर्डर्स देता हूं वो अगर आपको एंट्री नहीं मिला कहीं पे भी, एंट्री नहीं मिला, नो एंट्री, तब क्या करना है, एंट्री नहीं मिला तो कैंसिल ऑल द ऑर्डर्स बाय 10 AM। ये गेम सिर्फ 9:15 से लेके, ठीक है, ये गेम सिर्फ 9:15 से लेके 10 AM तक। अगर 10 AM से कोई भी एंट्री नहीं मिला, पेंडिंग में ही है, सेल ऑर्डर पेंडिंग में है, बाय ऑर्डर भी पेंडिंग में है, तो उसको ऑल द ऑर्डर्स को कैंसिल करेंगे, उस दिन ट्रेड नहीं है, ठीक है, जो भी आप ट्रेड करते हो, समझ में आया ना। यही इसी के हिसाब से, इसी प्लान से मैं जो भी लेवल देता हूं टेलीग्राम चैनल में उसको फॉलो करना पड़ेगा आपको, ठीक है। यहाँ पे देखिए, मेरा रिजल्ट्स पेज में जाइए,
और वहां पे ये सब चेक किया मैंने, कब कब कौन सा स्टॉक में देखो, एनबीसी स्टॉक में कितना पैसा कमाया, छह महीने में कैसे बनाया पोजिशनल स्ट्रेटजी से, बीएचएल में 45 डेज में कितना 2,50,000 कैसे कमाया, कब कब कैसे कमाया, वो सब मैं एक्सप्लेन किया है, ये सब आपको देखना पड़ेगा, वो सब देखिए। ये देखो 30 डेज में 70,000 कमाया टाटा पावर में, और अल्केमी स्ट्रेटजी स्कैल्पिंग इंट्राडे में मैंने 200% रिटर्न कमाया आईटीसी स्टॉक में, वो भी देखिए। करेंसी में भी 100% रिटर्न से एक मंथ में कैसे कमाए वो भी देखिए, और ये बहुत सारे ये भी है, नहीं तो आप टेलीग्राम चैनल या फेसबुक सभी में ये रिजल्ट्स लाइव वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको अगर ये कैसे बनाया मैंने कोर्स का डिटेल्स यहाँ पे मैंने फ्री ट्रेनिंग में एक्सप्लेन किया हुआ है, ये देखिए ये वीकली इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी, इस वीडियो को पूरा देखो आप, ठीक है, आपको समझ में आएगा कैसे करना है कैसे नहीं करना है। ये देखिए यहाँ पे कहीं मैंने कोर्स डिटेल्स भी दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे कहीं आपको विथ प्रूफ्स कैसे मैंने कहाँ बनाया, कौन सा महीने में कितना बनाया, वो सब मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। उसके बाद कोर्स का डिटेल्स भी है, एंड तक देखिए, ठीक है, देखिए यहाँ पे कहीं है वो पूरा देखिए कौन सा क्या मिलने वाला है। अगर क्वेश्चन डाउट है तो मुझे पूछिए, ठीक है, अगर अच्छा लगा तो ज्वाइन कर सकता है, नहीं तो इट्स ओके। तो आज मैंने कुछ स्टॉक्स दिया था, उसमें हैवेल्स एक है, ये देखिए हैवेल्स कल एनालिसिस वीडियो देख लीजिए, यहाँ से इस लेवल को रिजेक्शन आके रिवर्सल आ गया, तो मोस्ट प्रोबेबली रेड कैंडल बनाएगा, वैसे ही बनाया यहाँ तक आया, ये सक्सेसफुल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद टीवीएस मोटर्स कल का वीडियो देख लीजिए, समझ में आएगा, ये भी बताया मैंने इसको लेवल को ब्रेक करके नीचे आएगा तो हमारा टारगेट जहाँ दिया वो सक्सेसफुल हो गया, ठीक है। तो उसके बाद अमर राजा बैटरी ये फेल हो गया, देखो नेगेटिव कैंडल तो बनाया नीचे आया लेकिन हमारा एसएल हिट करने के बाद आया, ठीक है, तो ये फेल हो गया, नो प्रॉब्लम। उसके बाद सिप्ला भी वैसे ही हुआ, देखो कल का वीडियो देख लीजिए, ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके नीचे आएगा आया, लेकिन हम बीच में कंसोलिडेशन टाइम में वो एसएल हिट करके फिर वापस आ गया, ठीक है, ये भी फेल हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। कल के लिए यहाँ पे स्टॉक्स लिया मैंने, कोटक बैंक है ये देखिए, सो इसको हम सेल के लिए प्लान करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए ये लेवल को टच करके फिर वापस आ गया, ऑलमोस्ट एंगल्फिंग कर दिया, ये कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है ना, पॉजिटिव कैंडल्स देखिए, मोस्ट प्रॉब्ली ब्रेक करके और थोड़ा नीचे आ सकता है यहाँ तक, तो इसलिए हम सेल के लिए प्लान करना पड़ेगा, ठीक है। कौन सा लेवल पर ट्रेड करना है आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके ज्वाइन करो। नेक्स्ट विप्रो, ये देखिए इसको बाय के लिए प्लान करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए मैंने बहुत बार कहा ये देखो ये सब प्रोजेक्शन बनाएगा, देखो वैसे भी हुआ, देखो इसको भी ब्रेक करके ऊपर चला गया, परफेक्ट सेटअप है, तो और थोड़ा ऊपर जा सकता है, तो इसलिए हम इसको बाय के लिए प्लान करना पड़ेगा। ये देखो फ्लैग पैटर्न बोलो और कुछ भी बोलो, यहाँ से आके ये रिवर्स लाया, ये भी ट्राई किया फिर वापस जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट विप्रो के बाद टाटा कंज्यूम, ये देखिए सो टाटा कंज्यूम इसको हम बाई के लिए प्लान करना पड़ेगा, देखिए यहाँ से स्ट्रगल कर रहा है, देखो छोटा छोटा कैंडल्स ऊपर जा रहा है, मोस्ट प्रोबेबली एक पावरफुल अपवर्ड जर्नी स्टार्ट हो सकता है यहाँ से, तो इसलिए हम इसको बाई के लिए प्लान करना पड़ेगा, ठीक है। कौन सा लेवल पर ट्रेड करना है टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर ज्वाइन करो। नेक्स्ट एचडीएफसी लाइफ, ये देखिए ये प्राइज एक्शन के हिसाब से वहां तक गया, फिर टच करके फिर रिजेक्शन आ गया, देखो यहाँ तक आया, तो प्राइज एक्शन ऐसा बना के इधर जा सकता है, तो इसलिए हम इसको बाय के लिए प्लान करना पड़ेगा। नेक्स्ट डाबर देखिए, ये देखो ये गैप को फिल कर दिया, टच करके वापस चला गया, और मोस्ट प्रोबेबली ये पॉजिटिव कैंडल बनाएगा, तो इसलिए बाय के लिए प्लान करना पड़ेगा। नेक्स्ट बायोकॉन भी सेम केस, देखो यहाँ से देखो इतना बड़ा सपोर्ट है, ये यहाँ टच करके फिर रिजेक्शन आके ऊपर चला गया, और मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ से इसको ब्रेक करके यहाँ तक भी जा सकता है, तो इसलिए हम इसको बाय के लिए प्लान करना पड़ेगा। नेक्स्ट गोदरेज सीपी, सेम केस देखिए, यहाँ तक कंटिन्यूसली गिर गया, जो लेवल था उसको सपोर्ट लिया, रिजेक्शन आ गया, और यहाँ से ब्लू कैंडल बनाएगा, बाय के लिए प्लान करना पड़ेगा, ठीक है। ट्रेंड लाइन भी देखिए, ठीक है। नेक्स्ट चोलाफिन, सेम केस देखिए, ये लेवल से कंटिन्यूसली रिजेक्शन आते जा रहा है, राइट, तो यहाँ से पॉजिटिव कैंडल बनने की पॉसिबिलिटीज ज़्यादा है, तो इसलिए हम बाय के लिए प्लान करना पड़ेगा। नेक्स्ट चोलाफिन या हो गया, सो कौन सा लेवल पे ट्रेड करना है आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके ज्वाइन करो, नहीं तो वेबसाइट में जाओ,
इसको क्लिक करके आप प्रो ट्रेडर्स ग्रुप पे ज्वाइन कर सकता है टेलीग्राम चैनल में, ठीक है। और इसके बाद आल्गो ट्रेडिंग के बारे में तो आपको सबको पता है, मैंने यहाँ पे भी शेयर किया और ये सब चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे सारे वीडियोस देख लीजिए, आपको समझ में आएगा, उसके बाद आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।